नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू। आज मैं आपको कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, जब भी आप अपना रिज्यूम देंगे तो जो आपका इंटरव्यू, जो आपका बॉस होगा, ओके, आपके रिज्यूम से बेसिकली वो क्वेश्चन पूछता है कि रिज्यूम में आपने जो जो आपने जो करा है, अचीवमेंट्स किया है, वो बेसिक ही पूछेगा, डीप में नहीं जाएगा। तो जैसे मेरे से क्वेश्चन एक बार पूछा था, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लिप फ्लॉप एंड लैच, ओके, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फ्लिप फ्लॉप आपको बताना है कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है, दिस इज योर फ्लिप फ्लॉप, राइट, आपको बताना है कि बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए फ्लिप फ्लॉप जो होता है, इट इज एज ट्रिगर्ड, इट इज एज ट्रिगर्ड टाइप ऑफ मेमोरी सर्किट, इट इज एज ट्रिगर्ड टाइप ऑफ मेमोरी सर्किट, ठीक है। जबकि जो लैच होता है, इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड, ये लेवल ट्रिगर्ड होता है, लेवल ट्रिगर टाइप होता है। इट मींस द आउटपुट ऑफ अ लैच चेंजेस व्हेनेवर द इनपुट चेंजेस, आउटपुट चेंजेस व्हेनेवर इनपुट चेंजेस, ठीक है। अब इसमें आपको बेसिक डिफरेंसेस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लाइक हाउ इट इज एज ट्रिगर्ड। तो फ्लिप फ्लॉप ऑल्टर्स इट्स आउटपुट ओनली व्हेनेवर द क्लॉक पल्स इज एक्टिवेटेड, व्हेनेवर क्लॉक पल्स इज एक्टिवेटेड, जब भी आपकी क्लॉक पल्स एक्टिवेट होगी अलॉन्ग विद द इनपुट चेंज, अलॉन्ग विद इनपुट चेंज, ठीक है। जब भी इनपुट के साथ आपकी क्लॉक पल्स एक्टिवेट होगी, जैसे कि ये है राइजिंग एंड फॉलिंग, तब आपका वो आउटपुट की स्टेट डिफाइन होगी। लेकिन लैच जो होता है, इट ऑल्टर्स द आउटपुट बेस्ड ऑन इट्स इनपुट चेंजेस कॉन्स्टेंटली। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक सिंक्रोनस सर्किट होता है। फ्लिप फ्लॉप जो है, दिस इज अ सिंक्रोनस, इट इज सिंक्रोनस इन नेचर, इट इज एज ट्रिगर्ड, दैट इज ओनली चेंजेस स्टेट व्हेनेवर अ कंट्रोल सिग्नल गोज फ्रॉम हाई टू लो, लो टू हाई, ठीक है। लैच आपका असिंक्रोनस होता है, लैच असिंक्रोनस होता है, ठीक है। लैच इज लेवल ट्रिगर्ड, हियर द आउटपुट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द इनपुट, एंड हियर इन द फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट इज ऑल्टर्ड व्हेनेवर द क्लॉक पल्स इज एक्टिवेटेड, ओके। ये असिंक्रोनस होता है लैच। अब आप देखिए फ्लिप फ्लॉप जो होता है, दे चेंज देयर स्टेट ओनली एट द चेंज देयर स्टेट ओनली एट राइजिंग और फॉलिंग एज और क्लॉक सिग्नल। ये अपनी स्टेट कब चेंज करता है, जब भी आपका क्लॉक सिग्नल का राइजिंग और फॉलिंग एज, ठीक है। जबकि जो परफॉर्मेंस ऑफ लैच जो होता है, लैचेस हेल्प टू सिंक्रोनाइज अनप्रिडिक्टेबल असिंक्रोनस इनपुट्स विद अ सिस्टम क्लॉक। आपको ये बताना है, पहले तो ये हमने यही बताया कि ये फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस होता है, दैट मीन्स इट चेंजेस देयर स्टेट ओनली एट द राइजिंग ऑफ फॉलिंग एज, लेकिन ये असिंक्रोनस होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ लैच इन डिजाइन ऑफ हाई स्पीड सर्किट इज क्विक बिकॉज दे आर असिंक्रोनस। ये हाई स्पीड मतलब दे ऑपरेट एट अ फास्टर स्पीड, इसकी फास्टर स्पीड होती है लैच की, इट ऑपरेट्स एट अ फास्टर स्पीड, देर इज नो नीड ऑफ क्लॉक सिग्नल, नो क्लॉक सिग्नल इज रिक्वायर्ड, ओके। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ लैच इज मेनली यूज इन डिजाइन ऑफ हाई स्पीड सर्किट, हाई स्पीड सर्किट में इसका यूज होता है, ठीक है। इट इज क्विक बिकॉज ये असिंक्रोनस होता है, दीज आर असिंक्रोनस विद इन द डिजाइन एंड देर इज नो नीड ऑफ क्लॉक सिग्नल। तो यानी कि जो लैचेज होते हैं, दे हेल्प टू सिंक्रोनाइज, हेल्प टू सिंक्रोनाइज अनप्रिडिक्टेबल असिंक्रोनस इनपुट्स विद अ सिस्टम क्लॉक, with a system clock. Latches help to synchronize the unpredictable asynchronous inputs with a system clock. ये याद रखना, क्योंकि ये असिंक्रोनस होता है, तो ये असिंक्रोनस इनपुट्स जो कि अनप्रिडिक्टेबल है उसको सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। जबकि जो ये आपका फ्लिप फ्लॉप है, दे स्टोर द इनपुट इंफॉर्मेशन एंड ओनली अपडेट देयर आउटपुट एट द क्लॉक एज, ये क्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। These characteristics helps in reducing a number of chances of glitches and ensures a stable output. It ensures a stable output, okay, and reduces number of glitches. ठीक है,
फ्लिप फ्लॉप्स दे ऑपरेट एट अ लोअर स्पीड, ये लोअर इस लोअर स्पीड पे ऑपरेट करता है, ठीक है, एंड फ्लिप फ्लॉप्स आर सेंसिटिव टू बोथ द इनपुट सिग्नल एंड क्लॉक सिग्नल. फ्लिप फ्लॉप्स आर सेंसिटिव टू बोथ इनपुट एंड क्लॉक सिग्नल. लैचेस जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू इनपुट सिग्नल एंड लैचेस आर सेंसिटिव टू इनपुट सिग्नल ओनली व्हेन एवर इनेबल्ड. जब भी वो इनेबल्ड होता है तो केवल इनपुट चेंजेस में ही सेंसिटिव होता है, ठीक है. फ्लिप फ्लॉप्स आर मोर स्टेबल एज दे लैच द इनपुट वैल्यू ड्यूरिंग क्लॉकेज. लैच भी एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होता है, लैचेस लेवल सेंसिटिव होते हैं, ठीक है. तो इतना आपको पता चल गया. लैचेस जो होते हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू ग्लिचेस एंड मेटा स्टेबिलिटी इश्यूज, ठीक है. जैसे मैंने बोला तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो है लैचेस जो होते हैं मोर ससेप्टेबल टू ग्लिचेस. तो आपको बेसिक डिफरेंस क्या बताना है कि फ्लिप फ्लॉप इज एज ट्रिगर्ड बाय लैच इज लेवल ट्रिगर्ड. That means latch is level triggered means that the output only changes whenever there is a change in the input. That's why it is known as level triggered. It does not need any clock signal because it helps to synchronize the unpredictable asynchronous inputs with the system clock. It has a faster speed, latch key, because it has no clock signal. High speed circuit में use होता है, asynchronous होता है nature में, जबकि जो आपका flip flop होता है synchronous होता है. It changes their state only at the rising or falling edge of clock signal. ठीक है. It ensures stable output and reduces the number of glitches. ये stable जो आपका flip flop होता है, it gives the stable output and reduces the number of glitches. Slower speed पे operate करता है flip flop and flip flops are sensitive to both input and the clock signal. ये आपको difference में बताना है, ठीक है? इतने मैंने आपको difference बताए. अब उसका जैसे आपका जब कोई resume वो देखेगा, ठीक है? इसमें आपको एक question जैसे और भी पूछ सकता है कि जैसे व्हाट इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन. मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है. तो फाइनाइट मैं भी एक ही लाइन में आंसर दूंगी. फाइनाइट स्टेट मशीन जो होता है इट इज अ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट. अ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट. इट इज आल्सो कॉल्ड एफएसएम बिकॉज इफ इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स इट हैज अ finite number of states. इसकी finite number of states होती है and it is of two types. एक होता है मोरे और एक होता है मीले, ठीक है. अब आप इसमें देखो जो मोरे होता है इसमें जो outputs होते हैं outputs they are function only of present state only. Outputs are function of present states only, ठीक है. जबकि जो मीले होता है if आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ. मीले में क्या होता है आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट्स. अभी आपको एक लाइन में आंसर देना है. जैसे मान लीजिए पूछे व्हाट इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन. इट इज अ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट दैट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स मोरे एंड मीले. मोरे द आउटपुट्स आर फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट्स ओनली एंड इन मीले द आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट, ठीक है. अब आप इसमें देखिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस. अभी तो मैं एक एक लाइन का बता रही हूं, जब कभी थ्योरी डिस्कस करेंगे तो हम उसको समझाएंगे, ओके. डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल डायोड एंड आइडियल डायोड. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल डायोड एंड आइडियल डायोड. देखिए जो आपका प्रैक्टिकल डायोड होता है इट कांट एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर. कांट एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर. ये परफेक्ट कंडक्टर और परफेक्ट इंसुलेटर की तरह ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है. इट ड्रॉज वेरी लो करंट व्हेन रिवर्स बायस्ड. इट ड्रॉज वेरी लो करंट व्हेन रिवर्स बायस्ड. जबकि जो आइडियल डायोड होता है इट एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर. एक्ट्स एज अ परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर. दोनों की तरह ये काम करता है परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर आइडियल डायोड. इट ड्रॉज नो करंट व्हेन रिवर्स बायस्ड. क्योंकि आपकी डायोड कैसी होती है ऐसी होती है ना,
दिस इज पी, दिस इज एन, यहाँ पे करंट ऐसे जाएगी, तो ये जब ये ऑन होगा, जब करंट फ्लो करेगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जब नहीं करेगी तो ओपन हो जाएगा. तो इट एक्ट्स एज अ परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर, बट ड्रॉस नो करंट. जबकि क्या हो रहा है प्रैक्टिकल में, कि जब रिवर्स वायस होता है तो प्रैक्टिकल डायोड में स्टिल सम लिटिल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस, लेकिन आइडियल डायोड में इट ड्रॉज नो करंट, ठीक है, व्हेन रिवर्स वायस्ड, ठीक है. एंड ये इनफ्लाइटली इसीलिए फास्ट होता है, लॉसलेस होता है, नो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, नो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट अक्रॉस आइडियल डायोड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका, एक चीज जो बेसिक क्वेश्चंस में पूछा, जैसे फ्लिप फ्लॉप लैच में क्या डिफरेंस है, फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है, डायल आइडियल प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप अब देखिए, जैसे आपका ये मॉस्फेट है, मॉस्फेट में किसमें चैनल प्रेजेंट होती है, किसमें नहीं होती है. देखिए मेन प्रिंसिपल जो होता है मॉस्फेट डिवाइस का, वो क्या होता है, इट इज टू एबल टू कंट्रोल द वोल्टेज एंड करंट फ्लो, एबल टू कंट्रोल द वोल्टेज एंड करंट फ्लो between source and drain terminals. S is for source and D for drain, right? MOSFET jo hota, it is able to control the voltage and current flow between source and drain terminals. It works like a switch. It works like a switch and functionality of device is based on MOS capacitance. Jiski functionality hoti hai, its functionality is based on MOS capacitance. That means iski high input impedance hoti hai, lower on resistance hota hai, and less sensitive to temperature hota hai. It is less sensitive to temperatures, right? So MOSFET kya hai? It is able to control the voltage and current flow between the source and the drain terminals. It works like a switch and functionality depends upon the base MOS capacitance, and it has high input impedance, lower on resistance and less sensitive to temperatures. Ye voltage control device hota hai. Ab theek hai, aur kisme channel present hoti hai, channel kisme present hoti hai, dekhiye jo aapka e MOSFET hai, jaise main agar difference nikalu, एक है आपका इन्हेंसमेंट मॉसफेट और एक है आपका डिप्लीशन मॉसफेट, राइट. तो जो आपका डी मॉसफेट होता है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन मॉसफेट. तो डिप्लीशन मॉसफेट में चैनल जो होता है, चैनल इज परमानेंटली फैब्रिकेटेड, चैनल जो होता है ये परमानेंटली फैब्रिकेटेड होता है, मीन्स बाय डूपिंग एट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, एट टाइम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ मींस इन डिप्लीशन मॉसफेट व्हाट हैपेंस, द चैनल इज ऑलरेडी देयर, चैनल इज परमानेंटली फैब्रिकेटेड बाय मींस ऑफ डोपिंग एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. डिप्लीशन मोड डिवाइसेस नॉर्मली क्या होते हैं, ये नॉर्मली ऑन होते हैं, दे आर नॉर्मली ऑन व्हेन VGS इज इक्वल टू जीरो. लेकिन जो आपका इन्हेंसमेंट मोड होता है, इन्हेंसमेंट में क्या होता है कि चैनल डज नॉट एग्जिस्ट इनिशियली, चैनल डज नॉट एग्जिस्ट इनिशियली एंड इंड्यूस्ड, दैट इज चैनल एक तो ई मॉसफेट में पहले से नहीं होता, उसको इंड्यूस किया जाता है. चैनल इज डेवलप्ड, दैट मीन्स द चैनल हैज टू बी डेवलप्ड by applying VGS greater than VT. यही करेंगे, that means at gate terminal, okay? At no built-in channel, that means no built-in channel, इसमें कोई भी built-in channel नहीं होता, no built-in channel is there between drain and source. And e-mode devices हमेशा क्या होते हैं, ये normally off होते हैं. अभी आपको इतना पता है, normally off होते हैं whenever the VGS is zero, ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने, जो इंटरव्यू में मुझसे एक बार पूछे गए थे, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. दूसरा, ये इतना तो मैंने, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि रेस एंड रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, रेस एंड रेस अराउंड कंडीशन किसे होते हैं, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस एंड रेस अराउंड कंडीशन. देखिए रेस अराउंड कंडीशन मतलब होता है कि टॉगलिंग हो रही है इसमें. रेस अराउंड का मतलब क्या होता है, टॉगलिंग इज हैपनिंग एट द आउटपुट मेनी टाइम्स विद इन अ
सिंगल क्लॉक पीरियड, एक सिंगल क्लॉक पीरियड में आपकी जो हो रही है टॉगलिंग हो रही है, ठीक है। इन जेके फ्लिप फ्लॉप, फॉर एग्जांपल आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप है, इन जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, इफ जे इक्वल टू के इक्वल टू वन, जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन, ओके, एंड इफ क्लॉक इज वन, और अगर क्लॉक आपका वन है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपका जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन है, इवन इफ योर क्लॉक इज वन, देन जो आपका आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का, इट टॉगल्स, दैट मीन्स ये क्यू बार हो जाएगा, विच मेक्स द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जिसकी वजह से आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मीन्स अनसर्टेन हो जाएगा, और इसी प्रॉब्लम को हम रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं इन जेके फ्लिप फ्लॉप। याद रखना, जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन होती है, विच इज ड्यू टू टॉगलिंग ऑफ द आउटपुट विद इन अ सिंगल क्लॉक पल्स, एंड दिस इनवैलिड कंडीशन एट जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन इज नोन एज आरओसी। इसको हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से दूर करते हैं। रेस कंडीशन होती है आपकी एस एंड आर इनपुट्स जो होते हैं आपके ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जब ये व्हेन बोथ S and R inputs of flip-flop are 1, ठीक है, तो input is changed to any other condition. Input, output आपका unpredictable आता है. Output क्या आता है? Uncertain आता है, unpredictable आता है. That means if clock is on, or high time is there. High time, if clock is on for high time, and it is less than propagation time of flip-flop, then racing को हम avoid कर सकते हैं. रेसिंग कैन बी अवॉइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था, ठीक है। इफ क्लॉक इज ऑन फॉर हाई टाइम विच इज लेस देन प्रोपेगेशन डिले, या आप कह सकते हैं हाई टाइम काफी कंटिन्यूस टाइम इंटरवल आपका एक ही पीरियड पे वो है और काफी देर तक वो क्लॉक ऑन है, बहुत लंबे समय तक, एंड इट इज लेस देन द प्रोपेगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, तब हम उसको रेसिंग को अवॉइड कर सकते, ठीक है। तो ये आपका रेस कंडीशन ऐसा फ्लिप फ्लॉप में होती है, रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप में होती है, रेस अराउंड कंडीशन में टॉगलिंग होती है विद इन द सिंगल क्लॉक पल्स, जिसकी वजह से फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन अगर है, क्लॉक इज इक्वल टू वन, तो आउटपुट टॉगल करता है, जिससे आउटपुट अनस्टेबल आता है। और रेस कंडीशन में क्या होता है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में होता है, जिसमें एसआर 1 होता है एंड आउटपुट अनप्रेडिक्टेबल होता है। दैट मींस अगर इसको अवॉइड करने के लिए अगर हम क्लॉक को ऑन रखें फॉर हाई टाइम व्हिच शुड बी लेस देन प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, देन रेसिंग कैन बी अवॉइडेड। तो यही मुझे आज आपको कुछ बताना था, ठीक है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।